हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं टेक्निकल सोकिल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक बाइक बैटरी जिसे आप सेल्फ स्टार्ट बाइक के अंदर भी लगा सकते हैं और किक स्टार्ट बाइक के अंदर भी। ये बैटरी बनाना बहुत ही आसान है और साथ ही फ्रेंड्स ये बिल्कुल सस्ते में भी बन जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि यार मैं इसी तरह के नए नए वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ख़राब ओल्ड बैटरी लेंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं, और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये फूली हुई भी है। तो हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि इस बैटरी की ओनली हमें बॉडी लेनी है और आपको ये भी पता चल जाएगा कि यार आखिर इस बैटरी के अंदर होता क्या है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस बैटरी को जल्दी जल्दी खोल लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये है बैटरी के अंदर का सामान। तो इसके अंदर प्लेट वगैरह बनी हुई थी और यहाँ पर आप एक प्लेट देख भी सकते हैं, बाकी की जो प्लेट है वो गल चुकी है और वो अभी भी बॉक्स के अंदर ही है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो बैटरी है ये किस किस चीज़ से बनी होती है। ये बनी होती है फ्रेंड्स H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, PbO2 जो कि लेड डाइऑक्साइड होता है, और H2O तो आप जानते ही हो पानी होता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बैटरी की गली हुई प्लेट्स है वो अभी भी इन खांचों के अंदर ही फिक्स है। फ्रेंड्स, इस बाइक बैटरी के अंदर 6 सेल बने हुए होते हैं, प्रत्येक एक सेल 2.1 वोल्ट का होता है। तो यहाँ पर 6 सेल है तो 2.1 × 6 यानी 12.6 वोल्ट की ये बैटरी होती है। तो चलिए ऊपर वाले कवर को भी हम साफ कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी इतनी ज़्यादा गल गई है कि यहाँ पर जो वायर है वो भी डैमेज हो गए हैं। तो यहाँ पर हमने ऊपर वाले कवर को अच्छे से साफ कर लिया है। अभी यहाँ पर ये जो बैटरी का बॉक्स है इसके अंदर जो खाने बने हुए हैं उनको भी हम अंदर की साइड से क्लियर कर लेंगे। तो इस बैटरी बॉक्स के अंदर फ्रेंड्स हम लगाएंगे अपने पार्ट्स और बनाएंगे एक लाइफ टाइम बैटरी, जिसकी मैं आपको अच्छे से टेस्टिंग भी करके बताऊंगा। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यह है लैपटॉप की पुरानी बैटरी। काफ़ी वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया भी है कि इनके अंदर से लिथियम सेल निकलते हैं, यानी लिथियम बैटरियाँ निकलती है जो 3.7 4 वोल्ट 4.2 वोल्टेज तक की होती है। तो यहाँ पर एक बैटरी के अंदर लगभग 6 बैटरियाँ निकल जाती है और उनके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 बैटरियाँ डेड मिलेगी और बाकी की बैटरियाँ हो सकता है आपको डिस्चार्ज मिले। तो आप उन बैटरियों को वापस से चार्ज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर फुल चार्ज कर रखा है इन बैटरियों को। तो इन्हीं बैटरियों के द्वारा हम एक बहुत ही शानदार लाइफ टाइम बैटरी बनाने वाले हैं, वो भी बाइक की। साथ ही अगर आपकी बाइक सेल्फ स्टार्ट है तो इस बैटरी के द्वारा वो सेल्फ स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने इन बैटरियों को थोड़ा बहुत लिथियम बैटरी चार्जिंग मॉड्यूल के द्वारा चार्ज कर लिया था और बाकी चार्ज हो जाएगी ये बैटरी बनने के बाद जब ये बाइक के अंदर लग जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 12 वोल्ट की DC मोटर को ये बैटरियाँ कितनी आसानी से चला रही है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं फ्रेंड्स कि लिथियम आयन बैटरियाँ कितनी पावरफुल होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बारी है बैटरी बनाने की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं 3-3 सेलों को, यानी जो 3-3 बैटरियाँ हैं लिथियम बैटरियाँ, इनको मैं सीरीज में कनेक्शन करूँगा। फ्रेंड्स, जब हम इन बैटरियों की वायरिंग करेंगे उस दौरान जब बैटरियाँ इस तरह से सटी हुई रहेगी तो इनके अंदर ओवरचार्जिंग, शॉर्ट सर्किट या हीटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, जिसके कारण ये बैटरियाँ इस तरह की हो सकती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस बैटरी का जो कवर है हीट होके इस तरह से हो गया है और ऑटोमेटिकली यहाँ पर कवर इसका उतर रहा है, जिसके नीचे इसकी बॉडी बिल्कुल आसानी से दिख भी रही है और यहाँ पर ये शॉर्ट सर्किट हो सकती है क्योंकि इसकी पूरी बॉडी नेगेटिव होती है। तो इसके लिए यहाँ पर हम इस तरह से PVC शीट कटिंग कर लेंगे और आप यहाँ पर देख सकते हैं इन बैटरियों को हम यहाँ पर किस तरह से लगाएंगे। और फ्रेंड्स, PVC पाइप को सीधा करके किस तरह से PVC शीट बनती है ये भी मैंने आप लोगों को काफ़ी वीडियो के अंदर बताया है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम पीवीसी शीट के द्वारा इन बैटरियों को इस तरह से सेट करेंगे। यहाँ पर ये बैटरियाँ आपस में बिल्कुल भी टच नहीं है, और यहाँ पर मैं इन बैटरियों को इस तरह से रख रहा हूँ जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक बैटरी का पॉजिटिव एक साइड में है, फिर दूसरी का नेगेटिव, फिर तीसरी का पॉजिटिव, इस तरह से यहाँ पर मैंने इन बैटरियों को सेट किया है। चलिए यहाँ पर हम एक और सीरीज इसके ऊपर लगाते हैं सेम इसी प्रकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैटरियों को हमने दोनों फ्रेम्स के अंदर इस तरह से सेट कर दिया है, और यहाँ पर इन फ्रेम्स को हम सरका के ऊपर नीचे इस तरह से कर देंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर इन बैटरियों को जब आप देखोगे तो हर बैटरी के बीच के अंदर गैप है, यानी ये बैटरियाँ आपस में बिल्कुल भी टच नहीं है। तो चलिए यहाँ पर हम इन फ्रेम्स को भी इस तरह से सेट कर देते हैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैटरी को हमने फ्रेम के अंदर अच्छे से सेट कर दिया है, और यहाँ पर तीन तीन की सीरीज में ये बैटरियाँ लगी हुई है, देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर वाली तीन बैटरियों का सीरीज में कनेक्शन करेंगे, उसके बाद नीचे वाली बैटरियों का। तो यहाँ पर मैंने ये बैटरियाँ इसी क्रम में लगा रखी है, देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब इन लिथियम बैटरियों के ऊपर वायरिंग करने से पहले मैं ये पीवीसी शीट इस तरह से लगा रहा हूँ ताकि ये बैटरियाँ सेफ रहे। अब इस बैटरी के ऊपर वायरिंग करने के लिए मैंने इस वायर के अंदर से इस तरह से वायर निकाल लिए हैं, और इनमें से कुछ वायरों को मैंने इस तरह से सेट कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर वायरिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक लेयर के ऊपर सीरीज कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, सीरीज कनेक्शन के अंदर आप लोगों को पता होगा कि इन तीनों बैटरियों के वोल्टेज तीन गुना हो जाएंगे और एम्पियर सेम रहेंगे। तो यहाँ पर हमने बैटरियों की एक लेयर के अंदर सीरीज कनेक्शन कर दिया है, और अब हम सीरीज कनेक्शन दूसरी लेयर के अंदर भी कर देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने दोनों लेयरों के अंदर सीरीज कनेक्शन कर दिया है, और अब मैं आपको एक एक करके दोनों सीरीजों के वोल्टेज चेक करवाता हूँ मीटर के अंदर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 11.54 वोल्टेज के लगभग एक सीरीज के अंदर आ रहे हैं, और दूसरी सीरीज के अंदर आ रहे हैं 11.42। तो यहाँ पर प्रत्येक बैटरी को अगर हम 4 वोल्टेज की मान के चले, क्योंकि लैपटॉप की बैटरी के अंदर कई बैटरियाँ 3.7 वोल्टेज की होती है, कई 3.9, कई 4 और कई 4.2, तो 4 वोल्टेज के हिसाब से एक सीरीज बन जाएगी 12 वोल्ट की। तो दोनों सीरीज मिला के भी 12 वोल्टेज की ही बनेगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर अब मैं इन दोनों सीरीजों का कनेक्शन कर रहा हूँ पैरेलल में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इस तरह से अब हम पैरेलल में कनेक्शन कर रहे हैं। तो पैरेलल में आप जानते हो फ्रेंड्स, वोल्टेज सेम रहते हैं और एम्पियर दोगुने। तो यहाँ पर इन बैटरियों का एम्पियर कितना है ये भी मैं आप लोगों को बता दूं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि लैपटॉप की बैटरियों के अंदर जो लिथियम सेल लगे होते हैं उनके अंदर कई बैटरियों के एम्पियर होते हैं 1500 mAh, कई के 2000 और कई के 2600 mAh। तो यहाँ पर हम 2000 mAh की यहाँ पर प्रत्येक एक बैटरी मान के चल रहे हैं। तो सीरीज में कनेक्शन करने के बाद में एक एक लेयर का जो एम्पियर था वो 2000 mAh यानी 2 एम्पियर था, और अब यहाँ पर पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद में दोनों सीरीजों का एम्पियर हो गया है 4000 एम्पियर यानी 4 एम्पियर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सीरीज और पैरेलल में कनेक्शन करने के बाद में इन बैटरियों से जो वोल्टेज आ रहे हैं 11.61 वोल्टेज आ रहे हैं, लेकिन ये बैटरी फुल चार्ज होने के बाद में 12 वोल्ट की बन जाएगी और एम्पियर रहेंगे 4 एम्पियर। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक BMS ले लिया है, क्योंकि फ्रेंड्स हमें इस बैटरी को ओवरचार्ज, हीटिंग और शॉर्ट सर्किट से भी बचाना है। तो ये एक 3S BMS है 12.6 वोल्ट और 20 एम्पियर का। तो इसके ऊपर सारी चीज इंगित है, तो बिल्कुल आसानी से हम इसके कनेक्शन कर लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने इस BMS को इस तरह से चिपका दिया है PVC शीट के ऊपर। अब फ्रेंड्स, इसके कनेक्शन करते हैं हम बैटरी के साथ। तो यहाँ पर इसके कनेक्शन बहुत ही ईजी है। तो सबसे पहले हम इस बैटरी का नेगेटिव के साथ में कनेक्शन करेंगे, जहाँ पर इस प्लेट के अंदर 0 वोल्टेज लिखा हुआ है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्लेट के ऊपर 4.2 वोल्टेज लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम मीटर की प्रोब को बैटरी के नेगेटिव से लगाएंगे, और दूसरी तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं इतने ही वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर 4.2 वोल्टेज का भी कनेक्शन कर देते हैं हम यहाँ पर। अब देखिए फ्रेंड्स, इस प्लेट के अंदर 8.4 वोल्टेज आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस बैटरी के अंदर यहाँ पर नेगेटिव प्रोब लगाने के बाद में ये वोल्टेज आ रहे हैं इस तरफ, दूसरी तरफ
देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम कनेक्शन कर देते हैं एक वायर लेके इस तरह से, और वायर आपको अच्छी क्वालिटी का लेना है। और यहाँ पर मैंने जितनी भी वायरिंग की है अच्छी क्वालिटी के वायर से ही की है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस प्लेट के अंदर लिखा हुआ है 12.6 वोल्टेज। तो यहाँ पर हम मीटर की प्रोब को वापस से 0 पे लगा लेंगे, और यहाँ पर लास्ट में देख सकते हैं इतने वोल्टेज यहाँ पर आ रहे हैं। और जैसा कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बैटरी हमारी फुल चार्ज नहीं है, फुल चार्ज होने पे 12 वोल्टेज इस बैटरी के अंदर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्लेट के साथ में हमने बैटरी के सारे कनेक्शन कर दिए हैं। अब प्लेट के ऊपर जो इंगित है पॉजिटिव और नेगेटिव, वहाँ पर भी हम कनेक्शन कर देते हैं। तो नेगेटिव के लिए हम यहाँ पर ब्लैक वाला वायर ले रहे हैं, और पॉजिटिव के लिए रेड वाला। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ कि ये पॉइंट इस बैटरी का इनपुट भी है और आउटपुट भी, यानी ये बैटरी यहीं से चार्ज भी होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बैटरी को इस बॉडी के अंदर पैक करने से पहले, जो कि हमने शुरुआत में ली थी पुरानी बैटरी की, तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको हम साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप सैंड पेपर, थिनर, जिससे भी साफ़ करना चाहो कर सकते हैं, और हमने क्लीन कर लिया है। चलिए यहाँ पर हम इस बैटरी को इसके अंदर डाल देते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये देखिए, ये बैटरी थोड़ी सी हिल रही है। तो चलिए इसके अंदर कार्डबोर्ड लगा देते हैं ताकि ये बैटरी बिल्कुल भी ना हिले। तो यहाँ पर बैटरी अब अंदर की साइड से बिल्कुल भी नहीं हिल रही है, और ऊपर की तरफ भी हमने कार्डबोर्ड लगा दिया है। अब चलिए जो बैटरी की बॉडी का ऊपर का कवर है उसको भी हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम पॉजिटिव और नेगेटिव के हिसाब से वायरिंग को निकाल लेंगे, क्योंकि इस बॉडी के ऊपर जो कवर है उसके ऊपर लिखा हुआ भी है पॉजिटिव और नेगेटिव। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक फेविबॉन्ड ले ली है, मेरे पास नहीं भी थी तो मैंने सोचा कि यार पहले इसी का निकाल लेते हैं। तो देख सकते हैं इसके द्वारा हम इस बॉडी को अच्छे से चिपका देंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर बैटरी का 90% काम कंप्लीट हो चुका है, और इसका बाकी का 10% काम कंप्लीट होने के बाद में मैं इस बैटरी की आपको टेस्टिंग भी कराऊंगा। तो उस टेस्टिंग में आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा, आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, फिलहाल बैटरी के अंदर 11.59 वोल्टेज है, और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि बैटरी अभी चार्ज भी होगी जब बाइक के अंदर लग जाएगी। और अभी आपने देखा फ्रेंड्स कितनी स्पीड में हमारी ये मोटर चली है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस बैटरी के दोनों वायरों के ऊपर क्लिप भी लगा लेते हैं, जिससे इस बैटरी का बचा हुआ 10% काम भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक लोहे की चादर ले लेंगे और इसके द्वारा बनाएंगे क्लिप। तो फ्रेंड्स, आप यहां पर देख सकते हैं बैटरी के दोनों वायरों के ऊपर मैंने क्लिप मजबूती के साथ में लगा दी है। अब आप देख सकते हैं बैटरी कितनी पावरफुल बनी है। ऐसे मैं बार बार नहीं करूंगा, नहीं तो बैटरी ख़राब हो सकती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस बैटरी को लगा के टेस्ट करते हैं इस बाइक के अंदर, ठीक है। तो चलिए मैं जल्दी से इसकी जो बैटरी वाली जगह है उसको खोल लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर ऑलरेडी एक बैटरी लगी हुई है, जिसका हमने वीडियो भी बनाया था, और आप लोगों का उस वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह है वो वीडियो, और ऊपर आई बटन में देख सकते हैं उसका लिंक आपको मिल जाएगा, और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस बैटरी को तो हम हटा लेते हैं, और मैंने जब से इस बैटरी को लगाया है उसके बाद में मैं खुद भूल गया कि यार इसके अंदर कोई बैटरी भी लगी हुई है, क्योंकि कभी ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं बाइक के अंदर जिससे बैटरी को चेंज करना पड़े, क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर बताया भी था कि ये लाइफ टाइम बैटरी है फ्रेंड्स। यहाँ पर मैंने टेप लगा रखी थी लेकिन मैंने टेप को हटा दी है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस बाइक की एक बार सर्विस भी हो चुकी है, यानी ये धुल भी चुकी है, फिर भी इस बैटरी का कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मैंने सोचा कि यार ये MDF बोर्ड से बनी हुई है तो हो सकता है ये बिक सकती है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको तो हम साइड के अंदर रख देते हैं और लगाते हैं ये वाली बैटरी। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स, ये भी एक लाइफ टाइम बैटरी है। और इस बाइक में लगाने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ,
ये मेरे पास जो बाइक है ये किक स्टार्ट बाइक है, लेकिन आप इसको सेल्फ स्टार्ट के यूज में भी ले सकते हैं 100 cc तक, ठीक है, तो आपको वहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए यहाँ पर मैं इस बैटरी को लगा के आपको अच्छे से चेक करवाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए टर्मिनल हमने ऑलरेडी बना लिए थे और ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो नेगेटिव को मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हमने बैटरी लगा दी है। तो अब आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी बैटरी लगी हुई है और ये देखिए। तो अभी बिल्कुल न्यू बैटरी की तरह इस बाइक के अंदर हॉर्न की आवाज़ आ रही है, देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास सेल्फ स्टार्ट गाड़ी है तो इस बैटरी के द्वारा वो बिल्कुल आसानी से ऑन हो जाएगी, यानी चालू हो जाएगी। और ये सारे फंक्शन इसके अंदर जो इंडिकेटर वगैरह है, जैसे मैं आपको यहाँ पर इंडिकेटर वगैरह चेक करवा देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंडिकेटर है वो अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ पर जो मेरा इंडिकेटर है अंदर से ख़राब है, लेकिन जो लाइट है वो ऑन है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रही है, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसकी लाइट है, ये आपको पता है कि किक स्टार्ट गाड़ियों के अंदर गाड़ी को ऑन करने के बाद में ही चालू होती है, तो चलिए वो भी मैं आपको ऑन करके बता देता हूँ। और आपको मैं वापस से हॉर्न चेक करवाता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो बैटरी है ये इस बाइक के द्वारा ही चार्ज, पहले यार इस बाइक को बंद कर देता हूँ, पेट्रोल काफ़ी महंगा है। तो मैं क्या कह रहा था आपको कि यहाँ पर ये जो बैटरी है इस बाइक के द्वारा ही चार्ज हो जाएगी फुल, कोई भी प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं आएगी। जैसे ही बाइक ऑन रहेगी तो बैटरी ऑटोमेटिक चार्ज होती रहेगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि हमारी यहाँ पर ये जो बैटरी है 12 वोल्ट और 4 एम्पियर की बनी है, अगर इसको मैं बिल्कुल उल्टे तरीके से बनाता, यानी पहले मैं इन लिथियम बैटरीज को पैरेलल में कनेक्ट करता, उसके बाद में सीरीज में कनेक्ट करता, तो आप मुझे बताइए कि वो बैटरी कितने वोल्ट और कितने एम्पियर की बनती, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो यार फ्रेंड्स मैं इसी तरह के नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ, तो प्लीज़ यार इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर, और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के आल पे क्लिक करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद दोस्तों।